भारतीय जनता पार्टी बहुत पुअर लूजर्स हैं, चुनाव में इनको हार हजम नहीं हो रही। राजनीतिक बदले की भावना से जिस वक्त हम लॉकडाउन में हैं, कोरोना के सेकेंड वेव से लड़ रहे हैं, स्थिति भयावह हो रही है, गांव गांव में कोरोना फैल रहा है, गंगा में लाशें बह रही हैं, हमारे पहाड़ों के गांव गांव में फैल रहा है कोरोना, लोगों के पास नौकरियां नहीं है और तौते साइक्लोन जो है वो गुजरात की तरफ जा रहा है, उस वक्त हमारी सरकार अपने तोते को यानी कि CBI को छोड़ देती है पश्चिम बंगाल में। 2016 के चुनाव विधानसभा के उसके जस्ट पहले कुछ वीडियोस आए थे जिसमें कुछ नेताओं को देखा गया TMC के, जो पैसा ले रहे थे फर्जी कंपनी के नुमाइंदे से। वो वीडियोस चुनाव के जस्ट पहले आए, उसमें तीन मंत्री नेता ऐसे थे जो 5-5 लाख रुपए ले रहे थे, पूर्व मेयर जो थे वो 4 लाख रुपए ले रहे थे, और एक सुपरिंटेंडेंट पुलिस जो अरेस्ट हुए बाद में और फिर बेल पे हैं अब, SP मिर्जा, 5 लाख रुपए। इसी मामले में आज सवेरे कार्रवाई करते हुए CBI ने 4 को अरेस्ट कर लिया। स्पेशल CBI कोर्ट में जाकर उन्होंने कहा कि इनका हमें जुडिशियल कस्टडी चाहिए, फिर का पुलिस कस्टडी चाहिए, फिर का जुडिशियल कस्टडी चाहिए। ये सब होता रहा और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी धरने पे जाके वहीं पर बैठ गए, लोगों ने पत्थरबाजी भी करनी शुरू कर, इन लोगों को बेल मिल गई। तो सरकार आखिर करना क्या चाहती है, एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। जब ऐसे लोग होते हैं सरकार में उनके अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं होती है, तो साथियों ऐसे ही लोग वो होते हैं जो बाद में आत्महत्या करते हैं। हार और जीत लोकतंत्र में लगा रहता है। इस वक्त हमारा पूरा फोकस कोविड से लड़ने में होना चाहिए, जो दैवीय आपदा आ रही है जैसे तौकते साइक्लोन, उससे लड़ने में होनी चाहिए, ना कि बदले की भावना से हम दूसरे पर प्रहार करें। आप हार चुके हैं, आप ये बंद करें, ये जनता है, सब जानती है, आपको बहुत अच्छी तरह पहचानती है। इसी कारण से बंगाल में आप सरकार नहीं बना पाए, आपके सारे हथकंडे फेल हो रहे हैं, आप खिसिया रहे हैं। उससे ज्यादा बुरा और भयंकर होगा 2024 में, जनता जो आपको देगी थप्पड़।